হি ধিও যো নঃ প্রচোদয়াত্। ওম সহনাভবতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওম শান্তি শান্তি শান্তিঃ। প্রিয় শ্রোতাগণ, কল হম ইস ব্রহ্মাণ্ড কি ইনিশিয়াল স্টেট, মূল অবস্থা অর্থাৎ ইসকে মূল উপাদান কারণ পর চর্চা কর রহে থে। আর দো দিন কি চর্চা সে হম ইস নিষ্কর্ষ পর পৌঁছে কি ওহ মূল পদার্থ অনন্ত আয়তন মে শূন্য দ্রব্যমান, শূন্য ঊর্জা সে যুক্ত হতা হয়, জিসমে কোই গতি ক্রিয়া হলচল স্পন্দন বল আদি কাম নহীঁ করতে। অবস্থা ঘোর অথবা কে অনন্ত অন্ধকার সে যুক্ত হতি হয়, অনন্ত শীতলতা জিসমে হতি হয়। উস পদার্থ মে তিন গুণো কি চর্চা কি থি কি উস সময় তিন গুণ সাম্য অবস্থা মে রহতে হ্যায়। ঋগ্বেদ নবে মন্ডল 102 মে সূক্ত কা তীসরা মন্ত্র মে ইস প্রকৃতি ইস পদার্থ কো ত্রিতস্য ধারা তিন গুণো কো ধারণ করনে ওয়ালি ত্রিত, তিন গুণো কা জো সমূহ হ্যায় উসকো ধারণ করনে ওয়ালা वाली अवस्था कहा है। और ऋग्वेद पहले मंडल के 154वें सूक्त के चौथे मंत्र में इसका त्रिधातु विशेषण दिया है, तीन गुणों की धारणा शक्ति या तीन गुणों को धारण करने वाला पदार्थ वह है प्रकृति। अब वे गुण किस अवस्था में रहते थे इसका वर्णन करते हुए भगवान महर्षि कपिल महाराज लिखते हैं, सत्तो रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्तो रजस और तमस ये तीन गुण, इन तीन गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। अब साम्य शब्द में विचार करें, साम्यम आपटे कोशकार ने सम और क्षय धातु क्षय प्रत्यय से मिलकर साम्यम माना है, और सम सम बराबर सम और वैक्लव्य अच आपटे कोश अर्थात अविक्षुब्ध, वे कण विक्षुब्ध अवस्था में अथवा सक्रिय अवस्था में उस प्रलय काल में नहीं रहते। तीन गुण होते हैं लेकिन पूर्ण निष्क्रिय होते हैं, इसे साम्यावस्था कहा है। कुछ विद्वान इसको इस प्रकार मानते हैं कि सत्व रज तम तीन प्रकार के कण हैं जो समान मात्रा में रहते हैं उसको साम्यावस्था मानते हैं। ऐसा उचित नहीं, अगर वे तीन कण हैं सत्व रज तम यदि कर्ण है तो वह अवस्था अव्यक्त नहीं हो सकती। कर्ण है इसका अर्थ यह है कि उस समय कोई बल कार्य कर रहा है, कर्ण का अर्थ कोई सघन पदार्थ भले वह बहुत सूक्ष्म हो, और सघन पदार्थ है तो वो किसी बल के कारण सघन हुआ है। वस्तुतः है वह सघन कण जिसको सत्व रज तम कहा जाता है वह किसी अन्य पदार्थ से मिलके बना है, जो सघन रूप होकर के कण बन गया। कणीय अवस्था कभी भी
अनादि नहीं हो सकती। कण का अर्थ है जिसका कोई आकार है, जिसका कोई केंद्र है। अगर ऐसा है तो यह अवस्था संयोग जनित होगी, अनादि नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी कण का कोई सेंटर होगा, कोई रेडियस होगा, और सेंटर होगा, रेडियस होगा, तो उसका उसके अंदर कोई फोर्स भी काम कर रहा होगा, कोई बल भी कार्य कर रहा होगा, जिसने उस कण के केंद्र को बनाया, जिसने उस कण के रेडियस को बनाया, परिधि को बनाया, व्यास को बनाया। और जब बल कार्य कर रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह कण अनादि नहीं हो सकता। क्यों नहीं अनादि हो सकता, इस पर चर्चा हम विस्तार से कर चुके थे आधुनिक सृष्टि उत्पत्ति वाले विषय में। क्यों बल से युक्त पदार्थ अनादि नहीं हो सकता, क्यों आकार से युक्त पदार्थ अनादि नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें कण मानना उचित नहीं। और दूसरा, यदि कण है तो उन कणों के बीच में अवकाश भी होगा, तब उसे अव्यक्त अवस्था नहीं कह सकते, उसे एक अवस्था भी नहीं कह सकते। जो भगवान महादेव शिव जी ने उस प्रकृति का नाम एक रखा है, एक बताया है, अर्थात एक रस, वह पदार्थ कणों की स्थिति में, अगर वे तीन प्रकार के कण हैं, भले ही समान मात्रा में है, तो वह एक रस पदार्थ नहीं हो सकता, और वह पदार्थ व्यापी भी नहीं हो सकता। जहां कणों के बीच में अवकाश है, वहां कोई वस्तु नहीं है, वहां शून्य है, एम्प्टीनेस है, खालीपन है, तो वह पदार्थ सर्वव्यापक भी नहीं हो सकता, और वह पदार्थ अव्यक्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको उसके बारे में कहा जा सकता है, और वह पदार्थ अप्यय भी नहीं हो सकता, कि पूर्ण रूप से मिला हुआ ऐसा भी नहीं हो सकता, और वह पदार्थ अनुद्रिक्त भी नहीं हो सकता, कि उसमें स्पष्ट हम हवा के अणुओं को नहीं देख पाते। इसका अर्थ यह नहीं है कि हवा अनुद्रिक्त है, हम मॉलिक्यूल्स को नहीं देख पाते, हम एटम्स को नहीं देख पाते, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अनुद्रिक्त हैं, लक्षणों से रहित हैं। यदि वे कण हैं तो वह पदार्थ लक्षणों वाला हो जाएगा, अनुद्रिक्त नहीं रहेगा, और वह पदार्थ प्रकृति रूप नहीं हो सकता, वह किसी पदार्थ की स्वाभाविक स्थिति भी नहीं हो सकती। क्यों? उस पदार्थ के कणों के अंदर बल कार्य करेगा, और कणों के बाहर अवकाश रूप आकाश में कोई बल कार्य नहीं करेगा। तब ऐसी अवस्था को प्रकृति नहीं कह सकते। प्रकृति वही हो सकती है जो एक जैसी हो सर्वत्र। वैसे किसी शास्त्र में सत्व रस तम को कर्ण कहीं नहीं कहा, उनको सर्वत्र गुण ही कहा, लेकिन फिर भी न जाने क्यों कुछ विद्वानों में हट है कि नहीं ये कर्ण है। किसी ने अपने मन से कह दिया ना समझी के कारण, और कोई जो उनके शिष्य हैं वो गुरु जी ने कह दिया तो वह प्रमाण, उसके लिए वेद के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सांख्य दर्शन के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसके लिए योग दर्शन की आवश्यकता नहीं, उसके लिए महाभारत की आवश्यकता नहीं। वेद अब प्रमाण हो गया, सांख्य योग भी अब प्रमाण हो गए,
ब्रह्मा जी, महादेव, वशिष्ठ ऋषि सब यह प्रमाण हो गए, लेकिन वे और उनके गुरु प्रमाण, यह पूर्वाग्रह अथवा दुराग्रह विद्वानों में शोभनीय नहीं है। किसी भी वैज्ञानिक रूप से, किसी भी तर्कसंगत रूप से इसको नहीं सिद्ध किया जा सकता कि प्रारंभिक अवस्था कणी अवस्था थी। अब हम आगे चलते हैं कि वे कण, वे गुण कैसे रहते हैं, उनका क्या विशेषता है, इसके विषय में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, तमो रजस तथा सत्वम गुणानेतान प्रत्यक्षते अन्योन्य मिथुना सर्वे तथा न्योन्यानुजीविना अन्योन्नापाश्रयाश्चापि तथा न्योन्यानुवर्तिनः अन्योन्न व्यतिशक्ताश्च त्रिगुणा पञ्चधातवः। तमो रजस तथा सत्वम गुणानेतान प्रत्यक्षति, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि इनको गुण कहते हैं, किसको, तमस को, रजस को और सत्व को, कर्ण नहीं कहते, गुण कहते हैं, लेकिन हठपूर्वक कोई गुण को भी कर्ण बना देते हैं। वो कहते हैं कि स्थिति ऐसी आती है जब गुण ही कर्ण हो जाता है या कर्ण ही गुण हो जाता है, लेकिन भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि इनको कर्ण ही कहते हैं और ये एक दूसरे के साथ युग्म बना करके, मिथुन बना करके, संयोग बना करके रहते हैं और एक दूसरे पर जीवित रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक दूसरे का अनुकरण करने वाले होते हैं और एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। ये सभी सृष्टि में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें एक गुण हो, चाहे वो पदार्थ कितने सूक्ष्म क्यों न है, केवल सत्व है, केवल रजस है, केवल तमस है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में। इसलिए भगवान ब्रह्मा कहते हैं ये साथ साथ ही रहते हैं और किस किस का कैसे मिथुन होता है लिखते हैं, तमसो मिथुनम सत्वम, तमो गुण का मिथुन सत्व के साथ है, सत्व गुण के साथ, और सत्वस्य मिथुनम रजः, और सत्व का मिथुन रजोगुण के साथ है, रजसश्चापि सत्वम स्यात्, और रजस का सत्व के साथ, सत्वस्य मिथुनम तमः, सत्व का मिथुन तमः के साथ। लिखते नियम्यते तमो यत्र रजस तत्र प्रवर्तते, जहां तमोगुण को नियंत्रित किया जाता है, कम किया जाता है, तो वहां रजोगुण सक्रिय होता है, और नियमित रजो यत्र सत्तम तत्र प्रवर्तते, जहां रजोगुण को नियंत्रित किया जाता है वहां सत्वगुण सक्रिय हो उठता है, एक्टिवेट हो जाता है। नैषात्मकम तमो विद्या त्रिगुणम मोह संजितम अधर्म लक्षणम चैव नियतम पाप कर्मसु। तमोगुण क्या, नैषात्मकम अंधकार पूर्ण है और तीनों अन्य गुणों से के अंशों से भी कुछ युक्त होता है, अकेला नहीं, अन्य गुणों से भी युक्त होता है, और जिसका लक्षण अधर्म लक्षणम चैव, जिसका जो अधर्म युक्त होता है, जिसमें धारण बल नहीं होता है, और नियतम पाप कर्मसु,
पाप कर्मों में चलाने वाला होता है। जड़ पदार्थ में देखें तो जीवात्मा को पाप कर्मों में प्रवृत्त रखता है, और इधर जड़ जगत में देखो तो आगे अत्रे में आएगा पाप नाम का एक असुर पदार्थ होता है, जो किसी भी संयोग की क्रिया करने जा रहे दो कर्णों को बार बार उस क्रिया से विचलित करता है, उसको पाप नामक पदार्थ कहते हैं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी आज जो माना जाता है उसका ही एक ये भाग है, एक रूप है पाप, पाप नामक पदार्थ। तो सब ये तमोगुण वैदिक डार्क मैटर के अंदर भी निवास करता है। तामस तामस अनुरूपमेत तो दृश्यते चापि संगतम, प्रकृत्यात्मकमेव हो रज पर्याय कारकम प्रवृतम सर्वभूतेषु दृश्य मुत्पत्ति लक्षणम। यह तमोगुण तामस रूप है लेकिन दूसरे गुणों से संयत होकर यह दिखाई देता है। तमोगुण ही पदार्थ दूसरे सत्व गुणों के कारण ये दिखाई देते हैं या रजोगुण के कारण अनुभव में आते हैं। प्रकृत्यात्मकम एवा हो रज, और जो रजोगुण है पर्याय कारकम विषय सृष्टि प्रक्रिया की प्रणाली का एक बहुत बड़ा कारण है, और यह प्रकृति शब्द का अर्थ प्रकृष्ट रूप से क्रियाशीलता में प्रवृत्त होता है रजोगुण, और सभी भूतों पंच महाभूतों की उत्पत्ति में प्रवृत्त होता है अवे महागुण, जो दृश्य जगत है उन सब की उत्पत्ति इस रजोगुण के कारण होती है। प्रकाशम सर्वभूतेषु लाघवम श्रद्धानता सात्विकम रूपमेवम लाघवम साधु सम्मितम, और सत्वगुण प्रकाश रूप है, सभी भूतों पंच महाभूतों के हल्केपन का लघुता का कारण है, ऐसा लघुता और धारण गुण से युक्त होता है ये सत्वगुण। तो तीनों गुणों के अलग अलग लक्षण बताए, एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न कर सकता है, गुण से द्रव्य तो नहीं बनता लेकिन गुण से गुण बनता है। ये तीनों गुण प्रकृति में होते हैं लेकिन शांत निष्क्रिय प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, और इन तीनों को परमात्मा जगाता है, परमात्मा एक्टिवेट करता है। वो कैसे करता है वो आगे बताएंगे। ये जितने भी गुण बताए हैं इनके जो जो भी कार्य बताए हैं, जो जो भी लक्षण बताए हैं, जो जो वे कोई भी लक्षण प्रकृति की अवस्था में नहीं होते। जैसे ही वो असम में होता है पदार्थ विक्षुब्ध होता है, वैसे ये सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। महर्षि भगवान पतंजलि योग दर्शन लिखते हैं, प्रकाश क्रिया स्थिति क्षीरम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवरणार्थम दृश्यम। इसकी व्याख्या में महर्षि भगवान व्यास के लिखते हैं, प्रकाश क्षीरम सत्वम, जो सत्वगुण है उसका स्वभाव क्या है, प्रकाश देना। क्रियाशीलम और रजोगुण का स्वभाव क्या है, क्रिया करना, गति करना, हलचल करना। तमोगुण का शील स्वभाव क्या है,
सदशीलम स्थित रहना, ये सभी गुण एते गुण परस्पर उपरक्त प्रविभागा परिणामिन संयोग वियोग धर्माण इतरेतरोपाश्रयेण उत्पादित मूर्तयः परस्परांगित्वे अपि संभिन्न शक्ति प्रविभागा तुल्य जाति अतुल्य जाति शक्ति भेदानुपातेन। क्या मतलब? ये सभी तीनों गुण एक दूसरे के आश्रय से स्थूल रूप को प्राप्त करते हैं और इस सृष्टि के स्थूल पदार्थों को जन्म देते हैं। ये परस्पर संयोग वियोग करने वाले होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे का अंग और अंगी बन जाते हैं। साथ में रहते हुए भी उनकी शक्तियां अलग अलग फिर भी होती हैं। ये इन तीनों गुणों के स्वरूप के विषय में महर्षि पतंजलि जी महाराज ने कहा, यहां भी इनको गुणी कहा, एते गुणा, लेकिन फिर भी लोग कर्ण मानते हैं। उधर भगवान कपिल सांख्य दर्शन में क्या कहते हैं, प्रीति अप्रीति विशाल विशाल, इनके जो गुण है सतो गुण का प्रीति, रजोगुण का अप्रीति और तमोगुण का विशाल। प्रकाश हल्कापन ये पहले बताया, और भगवान कपिल कहते हैं कि सत्व का लक्षण है प्रीति करना, आकर्षण। इस सृष्टि में जितने भी आकर्षण बल हैं वो सत्वगुण के कारण है, अप्रीति प्रतिकर्षण बल रजोगुण के कारण, विषाद इनर्शिया जड़त्व जड़ता स्थितिशीलता ये तमोगुण के कारण है। तो यह विचार है कि इस सृष्टि में जामी प्रकाश है जो हमें दिखाई दे सकता है, देता है, अथवा दिखाई नहीं दे सकता है। उन सबके मूल में प्रकृति का सत्व गुण है। इस सृष्टि में जो भी आकर्षण बल है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, करते हैं, अथवा कभी नहीं कर सकते, उस आकर्षण बल का कारण है सत्वगुण प्रकृति का। और जितने जिसमें जितना हल्कापन है वह भी सत्वगुण के कारण है। और जिस पदार्थ में जितनी क्रियाशीलता है, चंचलता है, गतिशीलता है, वह प्रकृति के रजोगुण के कारण है। और जिस पदार्थ में जितना स्थितिशीलता है, अंधकार है, वह तमोगुण के कारण है। लेकिन किसी भी प्रकाश वाले पदार्थ में क्रिया नहीं हो अथवा स्थितिशीलता इनर्शिया नहीं हो, मास नहीं हो, ऐसा संभव नहीं। इसका कारण है कि तीनों गुण मिश्रित अवस्था में रहते हैं, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते और कभी अकेला गुण कभी विद्यमान नहीं रह सकता। प्रकृति में तो शांत रहते हैं और विकृति में या प्रकृति से विकृति बनते ही, पहली स्टेज आते ही तीनों गुण मिश्रित और व्यक्त हो जाते हैं। अब यहां प्रश्न एक उठता है, क्या सभी पदार्थों में इन तीन गुणों की विद्यमानता अनिवार्य होती है, जैसे भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है? हमारे मत में एक पदार्थ ऐसा है जिसमें तीनों गुणों का विद्यमान होना अनिवार्य नहीं, किंतु उसमें दो गुण फिर भी विद्यमान होते हैं, वह काल। इस काल को मैं टाइम से जोड़ूं या नहीं यह अलग बात है,
क्योंकि टाइम का क्या अर्थ होता है इसको विज्ञान कोई नहीं जानता, और टाइम के विषय में टाइम की परिभाषा कोई अंग्रेजी का विद्वान भी नहीं बता पाता कि टाइम क्या है। काल शब्द कैसे बना, वैदिक शब्द संस्कृत के शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है, उनका निर्वचन क्या है, यह वैदिक और संस्कृत वाले विद्वान बता सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के सभी शब्दों की व्युत्पत्ति निर्वचन कैसे है, उनका क्या अर्थ है, यह अंग्रेजी वाले विद्वान शायद नहीं बता पाएंगे। तो काल को टाइम समझें इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि जो जिन्होंने टाइम शब्द को माना है, टाइम शब्द जहां से बना है, जो टाइम शब्द का प्रयोग विज्ञान में करते हैं, उस टाइम की ठीक ठीक परिभाषा स्वरूप बता दें तो हम यह बता पाएंगे कि काल ही टाइम है कि नहीं। हम यहां काल का ही प्रयोग करेंगे। तो काल एक ऐसा पदार्थ है, काल काल्पनिक वस्तु नहीं है, काल एक पदार्थ है जो प्रकृति के बाद सबसे पहले उत्पन्न न कहके कहें कि सक्रिय होता है, एक्टिवेट होता है। काल कभी नष्ट नहीं होता, प्रलय में भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों सामने रहते, उसमें भी काल अव्यक्त रहता है, लेकिन जैसे इनकी साम्य अवस्था भंग होती है, काल व्यक्त रूप में प्रकृति को सक्रिय करने लग जाता है। ये आगे विषय आएगा। तो काल एक पदार्थ है जिसका निर्माण प्रकृति से ईश्वर करता है, अथवा कहेंगे प्रकृति के सानिध्य में ईश्वर इसको प्रेरित करता है, सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है, उत्पन्न नहीं करता। तो उस काल में दो गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण, क्योंकि भगवान ब्रह्मा, अच्छा पहले जो हमने ब्रह्मा जी के वचन कहे वो है महाभारत अश्वमेध पर्व अनुगीता पर्व अध्याय 36 श्लोक संख्या 4 से 10 तक। अब उसी अश्वमेध पर्व अनुगीता पर्व 39 में तीसरा श्लोक में भगवान ब्रह्मा कहते हैं, यावत् सत्वम रजस्तावत् वर्तते नात्र संशयः, यावत् तमश्च सत्वम च रजस्तावत् योच्यते। यावत् सत्वम, जहां जहां भी या जब तक सत्व गुण विद्यमान है तब तक रज गुण भी विद्यमान रहता है, अर्थात जब तक सत्व गुण सक्रिय रहता है तब तक रजोगुण भी सक्रिय रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और यावत् तमस्य सत्वम च, जब तक तमोगुण और सत्वगुण सक्रिय रहता है रजस तावद् योच्यते, तब तक रजस रजोगुण भी सक्रिय रहता है। इस बात से क्या निकल के आ रहा है कि सत्वगुण और रजोगुण ये दोनों तो रह सकते हैं एक साथ मिलकर के बिना तमोगुण के, लेकिन तमोगुण बिना सत्व और रजस के नहीं रह सकता। इससे स्पष्ट है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि काल में दो गुण रह सकते हैं, अथवा दो गुणों का स्वरूप, दो गुणों का रूप ही, दो गुणों से युक्त पदार्थ का रूप ही काल कहलाता है, क्योंकि काल में इन विराम नहीं होता, काल में जड़त्व नहीं होता, जड़ता नहीं होती, काल में प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, काल सदैव निरंतर गतिशील रहता है, सबको प्रेरित करता रहता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि काल में तमोगुण नहीं रहता। अब हम अन्य गुणों की चर्चा करें। इस सृष्टि में जहां प्रकाश और बल है उनमें क्रिया गतिशीलता और कुछ मात्रा में जड़त्व या द्रव्यमान अवश्य होते हैं,
वर्तमान विज्ञान भौतिकी ये मानती है कि फोटोन में मास नहीं होता, लेकिन जहां भी वो ये कहते हैं कि फोटोन मास नहीं होता, वहां ये कहते हैं कि फोटोन में विराम द्रव्यमान नहीं होता। जब फोटोन विराम अवस्था में रहता है उसमें मास नहीं होता उसमें, और ये भी कहते हैं कि फोटोन कभी विराम में नहीं रहता, कभी रुकता नहीं है। तो जब फोटोन कभी रुकता ही नहीं तो रुके हुए में द्रव्यमान नहीं होता, विराम में द्रव्यमान नहीं होता, इसका क्या अर्थ? जो वस्तु रुकती ही नहीं है फिर उसमें यह कहा जाए कि उस रुके हुए में द्रव्यमान नहीं होता, ये कथन ही निरर्थक लगता है। लेकिन उनके इस कथन से यह अवश्य सिद्ध होता है कि फोटोन जो सदैव गतिशील रहता है उस समय उसमें मास अवश्य होता है, द्रव्यमान अवश्य होता है। इसलिए सत्व के साथ और रज के साथ तमस भी विद्यमान है, जब प्रकाश और बल की चर्च विद्यमानता है वहां इसकी भी विद्यमानता है। रेस्ट मास उसका जीरो है लेकिन रेस्ट में वो रहता नहीं। अब स्पेस पर विचार करें कि स्पेस में किसी मास इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा संचरण होना माना जाता है। स्पेस मैसिव ऑब्जेक्ट के द्वारा कर्व होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा भी कर्व या डिस्टॉर्ट होता है। तो स्पेस का मास और चार्ज से क्या संबंध है? इसका अर्थ यह हुआ कि स्पेस में भी तमोगुण विद्यमान है और स्पेस में भी रजोगुण भी विद्यमान है, और ये दोनों विद्यमान है तो सत्वगुण भी विद्यमान अवश्य होगा। इसलिए स्पेस में भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों ही गुण सक्रिय अवस्था में विद्यमान रहते हैं। अब यह देखें कि भगवान ब्रह्मा जो कहते हैं कि जब तमोगुण पर नियंत्रण करें तो रजोगुण वृद्धि बताई जाती है। लोक में देखें किसी वस्तु के जड़ कोई वस्तु रखी है उसका जो निर्माण है तो उसमें रजोगुण प्रकट हो जाता है, रजोगुण कार्य करने लगता है, और रजोगुण को अगर नियंत्रित करें तो सत्वगुण एक्टिवेट हो जाता है। कैसे? उल्का पिंड दूर से आया, वायुमंडल में प्रवेश किया, वायु से टकराया, उसे रजोगुण उसके रजोगुण को उसकी एक्टिविटी को उसकी गति को रोकने की कोशिश की गई तो उल्का पिंड जलने लगता है। तो यही उनका कथन है। इस प्रकार सारा से हुआ प्रकृति मूल पदार्थ के स्वरूप का वर्णन या समाप्त होता है। मूल पदार्थ अनंत आयतन वाला होता है, शून्य द्रव्यमान वाला होता है, शीतलता अनंत होती है, घनत्व शून्य होता है, किसी प्रकार की क्रियाएं नहीं होती, पूर्ण शांत एक रसों के बना रहता है। यह कण न तो कण रूप होता है, न तरंग रूप होता है, न स्पेस रूप होता है, न स्ट्रिंग रूप होता है। यह पदार्थ अनिर्वचनीय है, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, अलक्षण कोई लक्षण नहीं है, न इसको जाना जा सकता है, न इस पर तर्क हो सकता है। जो बिग बैंग थ्योरी वाले कहते हैं प्लैंक टाइम से पहले फिजिक्स के नियम नहीं काम करते, वैसे ही इस प्रकृति अवस्था में कोई नियम काम नहीं करते, कोई नहीं जानता, केवल ईश्वर ही जानता है कि वो प्रकृति में प्रकृति कैसी होती है। लेकिन फिर भी जैसे ऋषियों ने अपनी योग साधना से उसको अनुभव किया वैसा लिखा, और उसी आधार पर हमने आपको बताया। यहाँ प्रकृति की चर्चा समाप्त करके अब हम चर्चा करेंगे काल क्या होता है, काल इसकी चर्चा कल करेंगे, आज समय समाप्त होता है। ओम शांति।